हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज और दो आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी गाड़ी की जो एक सेगमेंट में बेंचमार्क है, बेस्ट इन क्लास है और एक लेजेंडरी गाड़ी है, एक स्टेटस सिंबल है लोगों का। और अगर आप गेस करना चाहें तो मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। एक SUV है, फुल साइज SUV, थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट में आती है और एक अच्छा खासा स्टेटस सिंबल है ये गाड़ी। और आपने अगर गेस किया है या नहीं किया तो मैं आपको बता दूँ, मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात कर रहा हूँ। क्यों ये गाड़ी इतनी अच्छी है, क्यों इतनी बेहतरीन है, क्यों इतना ज़्यादा ये सेल होती है हिंदुस्तानी मार्केट में, तो हम उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि टोयोटा एक रेनाउड ब्रांड है और रिलायबिलिटी के लिए, सर्विस के लिए, इंजन्स के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए देश मैं कहूँगा वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। टोयोटा सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ वर्ल्ड में बेचता है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो। ओवरऑल वर्ल्ड में कंबाइंड कार्स की सेल में टोयोटा लीड्स द चार्ट। और हिंदुस्तान में हालांकि इसकी दो ही गाड़ियां मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही हैं, एक इनोवा और एक फॉर्च्यूनर। दोनों मेनली डीजल में ही सेल होती हैं, होनी भी चाहिए, और बहुत ही अच्छी हैं, टायर एंड टेस्टेड हैं, सालों से बिक रही हैं। तो फ़िलहाल हम फॉर्च्यूनर की अगर बात करें तो मैं पहले कॉम्पिटिशन की बात कर लेता हूँ कि इसकी कॉम्पिटिशन में आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो प्राइमरी इसका कॉम्पिटिटर था फोर्ड एंडेवर था। हालांकि ओवरऑल ड्राइविंग इंथुजियास के लिए वो गाड़ी ज़्यादा बेटर थी, बट जब से फोर्ड चली गई, एंडेवर चली गई, तो इट्स लाइक खुद का बस अपना राज है। तो पावर में पूरी तरह सत्ता में फॉर्च्यूनर आ गई है। हालांकि ग्लॉस्टर MG की अभी भी है एक गाड़ी जो हम कह सकते हैं ज़रूर उसके सेगमेंट में उस कॉम्पिटिशन है, या महिंद्रा की अल्टुरस G4। बट हम सब जानते हैं कि एक तरफ फॉर्च्यूनर की सेल्स हम देख लें, एक तरफ ग्लॉस्टर और अल्टुरस G4 की सेल्स देख लें, और मैं कहूँगा हो भी क्यों ना, आप इतना पैसा लगा रहे हो, आप डेफिनेटली चाहोगे ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट हो, गाड़ी बिकती हो, और यू नो इंजन्स, सर्विस, गाड़ी सेल, रीसेल, क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें, कंफर्ट, ड्राइविंग डायनामिक्स, बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड अगर हम देखें, इवन माइलेज, तो सब चीज़ों के उसमें फॉर्च्यूनर सालों से खरा उतरती आ रही है। और इस गाड़ी के अभी एक लेजेंडर वेरिएंट भी आता है जो थोड़ा प्रीमियम महंगा आता है। तो मैं बात कर रहा था कि टोयोटा फॉर्च्यूनर इस वजह से अच्छी खासी गाड़ी है और इसके सेगमेंट में कुछ खास नहीं है, इसलिए गाड़ी इतना ज़्यादा बिकती है। और अगर मैं बात करूँ इसकी कीमतों की तो आप समझ लें 40 से 50 लाख तक की कीमतें होती हैं, क्योंकि इसमें दो वेरियंट्स हैं। हालाँकि एक और लेजेंडर के बाद भी एक वेरियंट है, बट नॉर्मल फॉर्च्यूनर और लेजेंडर में मेन फ़र्क है लुक्स का, कॉस्मेटिक चेंजेस का, और उसके ऊपर एक और वेरिएंट आता है जी से कुछ नाम है, माफ़ कीजिएगा मुझे अभी फ़िलहाल जहन में नहीं आ रहा। तो उसमें भी अगेन 3-5 लाख का फ़र्क है और कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। तो जो रेगुलर फॉर्च्यूनर है 40 से 50 लाख में ऑन रोड आपको मिलती है। और इस कीमत में अगर हम बात करें और गाड़ियों की, अगर मैं SUV लूँ, एक मान लीजिए मैं अपनी वोल्वो की XC40 लेता हूँ, या फिर हम मर्सिडीज़ की GLA क्यों ना ले लें, ये भी लगभग उसी कीमत में गाड़ियाँ आती हैं, उसी प्राइस रेंज में। तो आपको ज़रूर एक जर्मनी की गाड़ी मिल रही है, इम्पोर्टेड कार्स यू नो, बट वो ओवरऑल साइज़ में छोटी होती हैं। और फॉर्च्यूनर को हम देखें तो कहीं से किसी भी तरह की कमी नहीं है, बड़ी गाड़ी है, जो काम ये करती है उससे बेटर शायद ये फॉर्च्यूनर करती है, और ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है और स्टेटस सिंबल है, तो इस वजह से और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी बन जाता है। तो फॉर्च्यूनर मुझे लगता है कि नेताओं की गाड़ी थोड़ा सा यू नो वो फील आती है, इसलिए इतना ज़्यादा बिकती है अपने सेगमेंट में, जितने भी अक्रॉस सेगमेंट्स में है। और मैं ज़रूर इस गाड़ी को आप सबको रेकमेंड करता हूँ, अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, अगर आप फॉर्च्यूनर में, आप अल्टुरस G4 में, आप XC40, मर्सिडीज GLA, आप MG ग्लॉस्टर में कन्फ्यूज हैं, हालांकि ग्लॉस्टर भी अच्छा प्रोडक्ट है, बट ओवरऑल पैकेज में नथिंग बीट्स फॉर्च्यूनर, तो आप ज़रूर इस गाड़ी को लें। और ऑफ कोर्स इन सब गाड़ियों को मैं डीजल में रेकमेंड करता हूँ, अगर पेट्रोल आता भी है तो तौबा, ठीक है। और आप मैनुअल ले सकते हैं, ऑटोमेटिक ले सकते हैं, 4x4 की ऑप्शन अवेलेबल है, बट फॉर्च्यूनर में पर्टिकुलरली मैं आपको दो ही कलर आते हैं मेनली, ब्लैक और वाइट, जो भी लें आप, और इसके साथ ही आप मैनुअल ऑटोमेटिक देख सकते हैं अपनी प्रेफरेंस, 4x4 अगर आपकी ज़रूरत है तो। और उसका जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर आती है वही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि लेजेंडर वगैरह सब लुक्स के लिए हैं। तो ये कुछ बातें हैं। 99% गाड़ी डीजल में बिकती है, पेट्रोल में कोई लेता नहीं है, अगर आती भी है तो ये है कुछ बात टोयोटा फॉर्च्यूनर की। और इट्स अ मसल बीस्ट, आप ज़रूर इस गाड़ी को लें, आप बहुत खुश रहेंगे, आप ओनर्स के रिव्यू भी देख सकते हैं। तो दैट वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।